अरे गोभी। हाँ आंटी, क्या हुआ? लग रहा आज तुम पूरे साल भर की शॉपिंग करके आ रही है। क्या है इस थैले के अंदर? आंटी पटाखा है। नहीं बेटे, अब पहले जैसा बात नहीं रहा। अरे आंटी, मैं आपको पटाखा नहीं बोला। हमको नहीं बोला तो किसको बोला? हम किसी पटाखे से कम लगते हैं क्या? आप मुझसे पूछे ना इस थैले में क्या है, तो मैं वही बताया, पटाखा है। देखिए भाई साहब, आपका लड़का सुबह सुबह मेरा इंसल्ट कर रहा है। इसे कुछ समझाइए नहीं तो इसका दांत फोड़ देंगे। अरे गोभी बेटा, आंटी का इंसल्ट मत करो, ये तुम्हारी माँ की जैसा है। क्या पापा, बस आपको अपनी फिक्र है, मैं भी जवान हो गया हूँ, वो आपको दिखाई नहीं देता। ठीक है, आज के बाद नहीं करेंगे आंटी को परेशान। आप इसको बोल दीजिए अपने फुलझड़े को मेरे पास भेजे, हम लोग मिलकर साथ में दिवाली मनाएंगे। क्या भाई साहब, तूने अपने बेटे को यही संस्कार दिया है? क्यों, ये तो मेरी इंसल्ट पर इंसल्ट किया जा रहा है और आप खड़े खड़े देख रहे हैं। कैसी बात कर रही हो भाभी जी, मैं तो इसके अंदर कुट कुट के संस्कार भरे हैं। हाँ आंटी जी, मेरे पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दिन में मोमबत्ती लेके ढूंढेगा, फिर भी मेरे जैसा संस्कारी लड़का नहीं मिलेगा। चुप चुप जियो मेरे लाल, तुमने तो पड़ोसन भाभी के साथ नाक कटने से बचा लिया। देखो भाई साहब, मैं प्यार से बोल रहा हूँ, आप अपने लाल को मेरे नजरों से दूर ले जाओ, वरना मैं डंडे से इतना पिटूंगी पैंट गीली और चड्डी ढीले हो जाएंगे।